जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हिंदी साहित्य की जो सीरीज चल रही है IPSC NET TET PGT आदि एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण ये सीरीज है। हमने इससे पहले आदिकाल को पढ़ा, आदिकाल की भूमिका, आदिकाल से संबंधित जितने भी फैक्ट थे उनके बारे में पढ़ा। अब थोड़ा सा हम इनके जो प्रश्न बनते हैं आदिकाल से उनके बारे में पढ़ेंगे। दोस्तों, वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको दिख रहा होगा, ये वस्तुनिष्ठ प्रश्न है और लगभग 200 प्रश्न यहाँ से आदिकाल से वस्तुनिष्ठ प्रश्न बनते हैं। तो 200 प्रश्न हम दो पार्टों में, अलग अलग पार्ट में करेंगे। ये हमारा फर्स्ट पार्ट है ना, वस्तुनिष्ठ प्रश्न का, इनको देख लें। इससे पहले हमने आदिकाल को विस्तृत पढ़ाया है, उसको भी आप पढ़ सकते हैं। तो सबसे पहले देखें कि हिंदी साहित्य की दीर्घकालीन गाथा को सूत्रबद्ध रूप से स्पष्ट करने का जो सर्वप्रथम प्रयास किया है तो वो किसने किया है। तो सभी को पता होगा कि ये जो प्रयास किया है वो गारसादा तासी ने किया है ना। किस भाषा में किया है, तो ये फ्रेंच भाषा में किया है, ठीक है। तो ये चीज आपको पता होगी सभी को। गारसादा तासी के ग्रंथ का नाम है, तो इनके जो ग्रंथ है वो इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी, ठीक है, इनके ये ग्रंथ का नाम है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है पलट कर, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी की जो ग्रंथ है इसके लेखक कौन है, इस प्रकार से पूछ लिया जाता है, तो गारसादा तासी, ठीक है। दोनों तरफ से हमें बिल्कुल तैयार रहना है। नेक्स्ट देखें, इस्तवार द ला लिटरेचर एंडुई हिंदुस्तानी ग्रंथ किस भाषा में लिखा गया है, तो ये फ्रेंच भाषा में लिखा गया है। दोस्तों हैं, इसको याद कर लें, है ना। तबकातु सुइरा के लेखक कौन है, तो मौलवी करीमुद्दीन, जी हाँ दोस्तों, तबकातु सुइरा जो है इसके लेखक हैं, तो मौलवी करीमुद्दीन, इसका उत्तर डी सही है, ये आपको देख लेना है। कुछ इस प्रकार से भी अंदर से क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, ठीक है। निम्नलिखित में से किस ग्रंथ को अंग्रेजी में उर्दू कवियों का इतिहास और उर्दू में हिंदी शायरी का तजकिरा कहा जाता है। नेट एग्जाम PGT एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाता है, तो तजकिरा ये सुवेरा ई हिंदी को जो है ये तजकिरा कहा जाता है, याद रख लेना। इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, ठीक है। अगला देखें, हिंदी साहित्य इतिहास की नींव का पत्थर किसे माना गया है, तो नींव का पत्थर जो माना गया है दोस्तों वो माना गया है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। ग्रियर्सन की जो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है इसे माना जाता है नींव का पत्थर हिंदी साहित्य इतिहास में। ये क्वेश्चन भी पूछ लिया जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, नींव का पत्थर किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य का इतिहास प्रथम इतिहास ग्रंथ माना गया, तो प्रथम इतिहास ग्रंथ जो माना जाता है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, जो कि ग्रियर्सन है ना, प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है दोस्तों, क्योंकि कालक्रम का इसी में वर्णन किया गया, इसलिए इसे प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है हिंदी साहित्य का। तो ये आप देख लेना, है ना, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। इसे हिंदी कवियों का प्रथम ग्रंथ संग्रह कौन है, तो उसे सेंगर है, जी हाँ, यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, नहीं तो इस्तवार द ला लिटरेचर हिंदुस्तानी लगा दो, है ना। इसमें कालक्रम का ध्यान नहीं दिया गया है, वर्णाक्रम पद्धति से इसे लिखा गया है, वर्णाक्रम पद्धति को अपनाया था गारसादा तासी ने, और इसमें कुछ कालक्रम भी इन्होंने बताया है गिरियर सर सामने, तो इसलिए जो प्रथम इतिहास ग्रंथ माना जाता है वो द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान माना जाता है गिरियर्सन द्वारा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना। हिंदी कवियों का प्रथम प्रति संग्रह कार कौन है, तो शिवसेन सेंगर ने, आपने आपको पता होगा कि जो रामचंद्र शुक्ल है इन्होंने शिवसेन सरोज आदि को वृत्त संग्रह माना है, और प्रथम जो वृत्त संग्रहकार माने जाते हैं वो शिवसेन सेंगर माने जाते हैं, याद रख लेना। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में सबसे पहले काल विभाजन प्रवृत्ति निरूपण और मूल्यांकन किसने किया, तो यहाँ बात आ गई कि सबसे पहले काल विभाजन प्रवृत्ति निरूपण मूल्यांकन जो किया है वो ग्रियर्सन ने ही किया है, इसलिए इनकी जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर है ये प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ माना जाता है, ठीक है। तो याद रख लेना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण तथ्यों का यहाँ पर, महत्वपूर्ण प्रश्नों का भी यहाँ पर संकलन किया गया। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की पत्रिका के विशेषांक सन 1888 ईस्वी में किस ग्रंथ का प्रकाशन हुआ, तो आपको पता होगा दोस्तों एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के विशेषांक में जो ग्रियर्सन का मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है इस ग्रंथ का जो है प्रकाशन हुआ था। कब हुआ था, 1888 में। कभी कभी सन भी पूछ लिया जाता है, कभी कभी
जो है ये रचना दे दी जाती है और लेखक कवि का नाम पूछ लिया जाता है, ग्रंथकार का नाम पूछ लिया जाता है, कभी कभी इस प्रकार से एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल पत्रिका विशेषज्ञ इस प्रकार से भी पूछ लिया जाता है। तो हमें चारों तरफ से तैयार रहना है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को हिंदी का प्रथम साहित्य इतिहास ग्रंथ किसने माना है? तो हिंदी का जो साहित्य इतिहास ग्रंथ माना है तो वो माना है डॉक्टर केशोरीलाल गुप्त ने। मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान को इन्होंने हिंदी साहित्य इतिहास जो है ग्रंथ माना है प्रथम। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है तो शिवसेन सरोज को कहा जाता है प्रस्थान बिंदु। जी हाँ दोस्तों, शिवसेन सरोज को हिंदी साहित्य इतिहास का प्रस्थान बिंदु कहा जाता है ना। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ लेखन में सर्वाधिक सहायता किससे ली? तो इन्होंने शिवसेन सरोज से ही सर्वाधिक सहायता ली ग्रियर्सन ने। नेक्स्ट है, मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान में वर्णित कवियों की संख्या कितनी है? तो ये जो कवियों की संख्या है 952 है ना, याद रख लेना 952 है। हिंदी के विदेहवादी साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, यह कथन किसका है? तो ये प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा जी का है। इन्होंने कहा है कि हिंदी की विदेहवादी पद्धति, आपको पता होगी कि विदेहवादी जो पद्धति है, तेन महोदय इसके जन्मदाता माने जाते हैं। विदेहवादी पद्धति साहित्य इतिहास के आदम प्रवर्तक जो हैं शुक्ल जी नहीं प्रत्युत ग्रियर्सन है, ये किसने कहा है? तो ये कहा है प्रोफेसर नलिन विलोचन शर्मा ने। ऐसे कथन भी पूछे जाते हैं नेट पीजीटी एग्जाम में। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान हिंदी के अध्येताओं की दृष्टि का केंद्र बिंदु नहीं बन सका क्योंकि वह अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था। याद रख लेना, ये जो मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान है ये अंग्रेजी भाषा में लिखा गया था, इसलिए जो है ये केंद्र बिंदु नहीं बन सका। मिश्र बंधुओं में कौन सा नाम सम्मिलित नहीं है? तो श्याम बिहारी है, सुखदेव बिहारी है और गणेश बिहारी है, एक कृष्ण बिहारी नहीं है। तो याद रख लेना है ना, श्याम गणेश सुखदेव, श्याम गणेश सुखदेव, हम भगवान से बोल रहे हैं कि श्याम गणेश क्या देव, सुखदेव। तो सुखदेव इस प्रकार से मिश्र बंधु थे, मिश्र बंधु विनोद की इन तीनों ने मिलकर की रचनाएं की हैं और हिंदी साहित्य का जो आदिकाल है उसे किस नाम से इन्होंने संबोधित किया है, क्या नाम दिया है, वो आप कमेंट के माध्यम से बताएंगे। इससे पहले की वीडियो में मैं बता चुका हूं। नेक्स्ट देखें कि मिश्र बंधु विनोद में हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया गया? तो दोस्तों मिश्र बंधु विनोद में किया गया है तो वो किया गया है 5 कालों में। कितने कालों में? 5 कालों में किया गया है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, हिंदी नवरत्न के लेखक कौन है? तो हिंदी नवरत्न के जो लेखक माने जाते हैं मिश्र बंधु माने जाते हैं। ठीक है, पादरी एफ ई के द्वारा लिखा गया हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथ किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो एफ ई के द्वारा जो प्रकाशित ग्रंथ है वो अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर नाम से प्रकाशित हुआ। याद रख लेना, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है ना, एफ ई के का पूछ लिया जाता है। व्योगी हरि को ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा किससे मिली? तो पंडित राधाचरण गोस्वामी से इन्हें मिली थी ब्रज माधुरी सार के संपादन की प्रेरणा। नेक्स्ट, आचार्य शुक्ल का साहित्य इतिहास ग्रंथ हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में किस नाम से प्रकाशित हुआ था? तो हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में सर्वप्रथम जो है 1929 में इसका प्रकाशन हुआ, तो हिंदी साहित्य के विकास, हिंदी साहित्य का विकास के नाम से प्रकाशित हुआ था 1929 में, है ना। हिंदी शब्द सागर की भूमिका एक क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल कृत हिंदी साहित्य का इतिहास प्रकाशन वर्ष है, तो सभी को पता है 1929 हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में यह प्रकाशन हुआ था 1929 में। हिंदी साहित्य का सर्वाधिक व्यवस्थित तो लोकप्रिय इतिहास ग्रंथ है हिंदी साहित्य का इतिहास है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का। ठीक है, इसको याद रखो, हिंदी साहित्य का इतिहास ये सबसे व्यवस्थित और लोकप्रिय इतिहास है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में आचार्य शुक्ल का प्रथम क्रांतिकारी कदम था? तो जो प्रथम क्रांतिकारी कदम था दोस्तों वो था अपभ्रंश साहित्य को हिंदी साहित्य से अलग मानकर उसे पूर्व पीठिका के रूप में प्रस्तुत करना, एक क्रांतिकारी कदम था आचार्य शुक्ल जी का हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में, ये महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार किसकी रचनाएं साहित्य कोटि की नहीं है? तो सिद्धों और योगियों की जो रचनाएं होती हैं वो साहित्य कोटि की नहीं है। किसके अनुसार? आचार्य शुक्ल जी के अनुसार। तो इसको हमें याद रख लेना है कि आचार्य शुक्ल जी बोल रहे हैं कि जो सिद्धों की रचनाएं हैं
वो साहित्य कोटि की नहीं है। शुक्ल जी के अनुसार हिंदी साहित्य इतिहास का वह ग्रंथ जो अभी तक अधूरा है, तो वो है हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर राम कुमार वर्मा का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो जो है अभी तक अधूरा है। इन्होंने भक्ति काल तक ही इसका जो है इसमें वर्णन किया है, भक्ति काल तक, तो यह अधूरा अभी तक अधूरा माना जाता है। हिंदी साहित्य के इतिहास को आलोचनात्मक ढंग से समझाने का श्रेय किसे है, तो आलोचनात्मक ढंग से जो समझाने का श्रेय है वो पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी साहब को है। हिंदी साहित्य को आलोचनात्मक ढंग से, हिंदी साहित्य इतिहास की रूपरेखा से युक्त हिंदी के मुसलमान कवि नामक पुस्तक के लेखक हैं। हिंदी के मुसलमान कवि नामक जो पुस्तक है इसके लेखक कौन है, तो गंगा प्रसाद सिंह है। कौन है? गंगा प्रसाद सिंह है। नेक्स्ट देखें, किस साहित्य इतिहासिक ग्रंथ को आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा गया है? तो आधुनिक साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है दोस्तों हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त जो है कि इसे आधुनिक हिंदी साहित्य संपत्ति का बीजक कहा जाता है। निम्नलिखित में किसने अपने इतिहास ग्रंथ में साहित्य के विकास के साथ साथ संवेदना के विकास को रेखांकित किया है? तो डॉक्टर रामस्वरूप चतुर्वेदी ने किया है। हिंदी साहित्य के इतिहास में काल विभाजन का सर्वप्रथम प्रयास किया है? तो डॉक्टर ग्रियर्सन ने सर्वप्रथम काल विभाजन का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है पूछ लिया जाता है। सर्वप्रथम काल विभाजन का जो प्रयास किया है वो डॉक्टर ग्रियर्सन ने किया है। डॉक्टर ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को कौन सा नाम दिया? तो आरंभिक काल को जो नाम दिया है वो दिया है चारण काल। ठीक है, ग्रियर्सन ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में आरंभिक काल को चारण काल नाम दिया है ना। काल विभाजन मैं पढ़ा चुका हूं इससे पहले, काल विभाजन आप देख सकते हैं। काल विभाजन से संबंधित जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का आरंभ कब से माना है? तो 8वीं शताब्दी से माना है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने प्रारंभिक काल को चारण काल नाम दिया और जॉर्ज ग्रियर्सन ने हिंदी साहित्य का जो आरंभ माना है वो 8वीं सदी माना है। द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान के किस अध्याय में काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है? तो 12वें अध्याय में है दोस्तों काल विभाजन का स्पष्ट निर्देश है। इस प्रकार से क्वेश्चन भी बहुत महत्वपूर्ण है, बहुत गहराई से भी पूछ लिए जाते हैं। हिंदी साहित्य के आदिकाल को आरंभिक काल नाम से अभिहित किया है, तो किसने किया है? आरंभिक काल नाम से आपको पता होगा मिश्र बंधुओं ने किया है, और प्रारंभिक काल नाम से जो किया है वो गणपति चंद्रगुप्त ने किया है। ठीक है, मिश्र बंधुओं द्वारा किए गए काल विभाजन के अंतर्गत अज्ञात काल का उल्लेख इसमें से किसने किया है? तो चंद्रपूर्व हिंदी का विवरण है अज्ञात काल, चंद्रपूर्व हिंदी का विवरण है, या फिर उन कवियों का विवरण है जिनका निश्चित समय ज्ञात नहीं है, मतलब अज्ञात काल। ठीक है, तो ये चीज सही हो जाएगा विकल्प नंबर बी। देखें, हिंदी साहित्य इतिहास ग्रंथों में काल विभाजन के लिए कितनी पद्धतियां अपनाई गई, ये याद रख लेना। पद्धतियां पूछी जाती हैं, ये चार पद्धतियां अपनाई गई थी, है ना। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने विधेयवादी पद्धति के आधार पर जो है हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा। एपी के ने अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर में हिंदी साहित्य को कितने कालों में विभक्त किया है? तो एपी के ने किया है दोस्तों चार कालों में, है ना, ये भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। निम्नलिखित में किसने हिंदी की शैशवावस्था के वृत्तों का वर्णन करने के उपरांत काल विभाजन का आधार हिंदी साहित्य में उठने वाले महत्वपूर्ण आंदोलन को बनाया? तो एपी के ने महत्वपूर्ण आंदोलनों को जो है हिंदी साहित्य के इतिहास का आधार बनाया। याद रखो, किस साहित्य इतिहासकार ने जनता की चितवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया? तो रामचंद्र शुक्ल जी ने जनता की चितवृत्ति को काल विभाजन का आधार बनाया, शुक्ल जी ने। बहुत ही महत्वपूर्ण, इस प्रकार से क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य इतिहास को कितने कालों में विभाजित किया है? तो दोस्तों आपको भी पता होगा कि उन्होंने चार कालों में विभाजित किया है। अगर हम बोलें तो आदिकाल, भक्ति काल, रीति काल और आधुनिक काल भी हो जाएगा, गद्य काल जिसे कि इन्होंने कहा है, तो ये चार काल में इन्होंने विभक्त किया है। याद रखो, वीरगाथा काल नाम के विरुद्ध सर्वप्रथम आपत्ति है, तो इनमें कुछ अप्राप और कुछ परवर्ती काल की रचनाएं हैं, इसलिए ये आपत्ति इसमें है वीरगाथा काल के नाम के विरुद्ध। ठीक है, नेक्स्ट देखें तो नेक्स्ट हो जाएगा हिंदी साहित्य के आरंभिक काल का सर्वाधिक उपयुक्त नाम है। तो सर्वाधिक जो उपयुक्त नाम माना जाता है वो आदिकाल माना जाता है, और आदिकाल को आदिकाल की जो संज्ञा दी है वो किसने दी है? अजय प्रसाद द्विवेदी ने दी है। वीरगाथा काल की संज्ञा दी है तो रामचंद्र शुक्ल ने दी है, चारण काल ग्रियर्सन ने कहा है, और सिद्ध सामंत काल राहुल चांद्रतैन ने कहा है।
आचार्य सुख ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में लगभग कितने वर्षों तक के साहित्य पर प्रकाश डाला है? तो 950 वर्षों के जो साहित्य है उस पर प्रकाश डाला है शुक्ल जी ने। निम्न से किसके साहित्य इतिहास ग्रंथ में आदिकाल के लिए चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ? तो रमाशंकर शुक्ल रसाल के साहित्य इतिहास में चारण काल शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। हिंदी के आदिकाल को सिद्ध सामंत युग किसने कहा है? तो सिद्ध सामंत युग तो मैं बता चुका कि राहुल शांकरताइन ने हिंदी साहित्य के इतिहास को सिद्ध सामंत युग की संज्ञा दी। नेक्स्ट, आदिकाल का विशद विश्लेषण करने का श्रेय है? तो विशद विश्लेषण करने का जो श्रेय है वो हजारी प्रसाद द्विवेदी को। हिंदी साहित्य का उद्भव एवं हिंदी साहित्य की भूमिका, इनके दो ग्रंथ हैं, याद रख लेना, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के। आदिकाल की सीमा अवधि है? तो आदिकाल की जो सीमा अवधि 11वीं शताब्दी से 14वीं शताब्दी तक मानी जाती है आदिकाल की सीमा अवधि। हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल किसने कहा है? तो अपभ्रंश काल कहा है दोस्तों चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, हिंदी साहित्य के आदिकाल को अपभ्रंश काल कहा है। आदिकाल को बीज बपन काल किसने कहा? महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, सही को पता है। आदिकालीन साहित्य का प्रमुख रस कौन सा है? तो वीर रस है, ये भी आपको पता है, वीर रस प्रधान जो रचनाएं हैं आदिकाल में रची गई है ना। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय प्रकरण में किसका विवेचन किया है? तो वीरगाथा काव्य का विवेचन किया है। अगला क्वेश्चन है कि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है क्योंकि अपभ्रंशावास हिंदी भक्ति काल तक आते आते काव्य भाषा के रूप में स्थापित हो जाती है और हिंदी का स्पष्ट जो स्वरूप है वो स्पष्ट हो जाता है, इसलिए इन्होंने भक्ति साहित्य से वास्तविक हिंदी साहित्य का आरंभ माना है। हिंदी का सबसे प्राचीन जो छंद है वो दोहा है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, हिंदी का सबसे प्राचीन छंद है दोहा। आदिकालीन साहित्य के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो आदिकालीन साहित्य अपभ्रंशावास हिंदी में है, ये तो सभी को पता है, अपभ्रंशावास हिंदी में है कुछ रचनाएं, तो अपभ्रंश और हिंदी से जो है मिक्स है, टिंगल पिंगल जो भाषाएं थी शैली थी उससे मिक्स है। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी मानते हुए हिंदी साहित्य का आरंभ 7वीं-8वीं शताब्दी किसने माना है? तो 7वीं-8वीं शताब्दी माना है चंद्र शर्मा गुलेरी ने, ठीक है। इन्होंने अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना है और साहित्य का अपभ्रंश को रामचंद्र शुक्ल ने माना है पुरानी हिंदी, तो याद रख लेना ये दोनों क्वेश्चन माने जाते हैं। अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? गुलेरी जी ने। साहित्य का अपभ्रंश को पुरानी हिंदी किसने माना है? तो रामचंद्र शुक्ल ने। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनते हैं, इनको याद रखें, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकालीन कृतियों पर विचार करते हुए कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? इन्होंने 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है। पिछले वीडियो में हमने पूरे 12 ग्रंथ आपको बताए थे, कुछ वीर रस प्रधान है कुछ रंगा रस प्रधान, इसलिए कुछ विद्वानों ने इनका विरोध भी किया है। आचार्य शुक्ल ने आरंभिक काल के जिन 12 ग्रंथों को प्रमाणिक माना है उनमें से किन ग्रंथों का मूल रूप सुरक्षित नहीं है? तो परमार रासो और पृथ्वीराज रासो का मूल रूप सुरक्षित नहीं है उन 12 ग्रंथों में, तो कहीं ना कहीं विवादास्पद स्थिति जरूर है। आदिकालीन कृतियां जो नोटिस मात्र हैं वो जयमन जयचंद्रिका और कीर्ति पताका, कीर्ति पताका जो है वो किसकी है? ये कीर्ति पताका विद्यापति की है और ये मधुकर कवि की है जयमन जयचंद्रिका, ये मात्र नोटिस मात्र हैं, ठीक है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल के तृतीय द्वितीय प्रकरण को कहा है, तो इन्होंने क्या कहा है? इन्होंने कहा है अपभ्रंश काव्य। क्या कहा है द्वितीय प्रकरण को? अपभ्रंश काव्य कहा है शुक्ल जी ने आदिकाल के द्वितीय प्रकरण को। हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रवृत्ति किसने आरंभ की? तो दोहरे नाम की जो प्रवृत्ति है वो आरंभ की रामचंद्र शुक्ल ने, याद कर लेना, पीजीटी टेट नेट आरपीएससी एग्जाम के लेवल की पूरी ये प्रश्न है। आदिकालीन काव्य प्रवृत्ति नहीं है, तो आदिकालीन जो काव्य प्रवृत्ति नहीं है वो प्राचीन खड़ी बोली का प्रयोग के नहीं है, ठीक है। आदिकालीन काव्य की प्रवृत्ति नहीं है, खड़ी बोली का प्रयोग ये प्रवृत्ति नहीं है आदिकाल की, क्योंकि खड़ी बोली का प्रयोग नहीं होता था। आदिकालीन काव्य में किस प्रवृत्ति का अभाव है? तो राष्ट्रीय चेतना का, भक्ति है, प्रकृति चित्रण है, श्रृंगार भी है, लेकिन राष्ट्रीय चेतना का जो है अभाव है। इनमें से हिंदी साहित्य का इतिहास किसने नहीं लिखा? तो नगेंद्र ने नहीं लिखा, लक्ष्मी सागर वार्ष्णेय ने लिखा, बच्चन सेन ने लिखा, दूसरा इतिहास राम कुमार वर्मा ने आलोचनात्मक इतिहास लिखा, तो ये नागेंद्र साहब ने नहीं लिखा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार हिंदी साहित्य का आविर्भाव कब से माना जा सकता है? तो प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जा सकता है, ठीक है। इसका विकल्प नंबर सी सही है। अपभ्रंश के प्रथम महाकवि कौन थे?
तो प्रथम महाकवि थे स्वयंभू, और राम कुमार वर्मा ने हिंदी का प्रथम कवि स्वयंभू को माना है, और राहुल सांकृत्या ने सरहपात को माना है। याद रख लेना, शालीभद्र सूरी को किसने माना है कमेंट के माध्यम से आप बताएंगे, क्योंकि हमने पिछले वीडियो में आपको बताया था। आचार्य शुक्ल ने किस साहित्य को सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया था, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर लिया। तो सत्य नाथ और जैन साहित्य, इन सभी को इन्होंने सांप्रदायिक शिक्षा मात्र कहकर वीरगाथा काल में सम्मिलित नहीं किया गया, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी ने उसे आदिकाल में स्वीकार कर दिया है। ठीक है, इनको याद रखें। नेक्स्ट देख रहे हैं, नेक्स्ट जो है सिद्ध साहित्य से तात्पर्य है। तो सिद्ध साहित्य बज्रयान परंपरा के सिद्ध आचार्यों द्वारा रचित साहित्य है। ये सिद्ध साहित्य है ना, बज्रयान शाखा थी सिद्ध साहित्य में, और ये जो सिद्ध थे इन्होंने संथा भाषा शैली को अपनाया था। ये क्वेश्चन भी आता है परीक्षाओं में, आदिकालीन काव्यधारा में उपलब्ध नहीं है तो क्या नहीं है? सिद्ध साहित्य नहीं है आदिकालीन काव्यधारा में। संधा भाषा का अर्थ क्या है? जी हाँ दोस्तों, ये जो संधा भाषा है, ये संधा भाषा सिद्धों की भाषा थी। संधा भाषा शैली को इन्होंने अपनाया, आगे क्वेश्चन बनता है। तो इसका अर्थ क्या है? तो ये अंतः साधनात्मक अनुभूतियों का संकेत करने वाली प्रतीक भाषा है, संधा भाषा का ये अर्थ है। ठीक है, नेक्स्ट देखें, सिद्ध साहित्य के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? तो कौन सा कथन असत्य है? सिद्ध साहित्य की भाषा क्या है? पिंगल है। जी हाँ दोस्तों, सिद्ध साहित्य की जो भाषा है वो क्या है? पिंगल। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध कौन है? तो सरहपा है। 84 सिद्धों में प्रथम सिद्ध सरहपा माने जाते हैं। राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि किसे माना है? सभी को पता है सरहपा को माना है। इनकी प्रमुख रचना दोहा कोश है, जो हर एग्जाम में पूछी जाती है, लगभग बहुत सारे एग्जाम में अभी तक पूछी जा चुकी है और आगे भी पूछी जाएगी। सरहपा को राहुल सांकृत्याय ने हिंदी का प्रथम कवि माना है, और दोहा कोश इनकी प्रमुख रचना है। अधिकांश साहित्य इतिहासकारों के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है? तो सरहपा ही है। ठीक है, शालीभद्र सूरीकृत भरतेश्वर बाहुबली रास को हिंदी की प्रथम रचना किसने माना है? तो गणपति चंद्र गुप्त ने हिंदी की जो प्रथम रचना मानी है वो भरतेश्वर बाहुबली रास को माना है, जो शालीभद्र सूरीकृत की रचना है, और शालीभद्र जो सूरी है इनकी प्रमुख रचना मानी जाती है भरतेश्वर बाहुबली रास। हिंदी की प्रथम रचना श्रावकाचार्य की रचयिता है, तो श्रावकाचार्य की रचयिता है देवसेन। इसे हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है श्रावकाचार्य को, देवसेन कृत श्रावकाचार्य। याद रख लेना, पुष्य या कुंड को हिंदी का प्रथम कवि किसने माना है? तो शिवसेन सेंगर ने पुष्य या कुंड को माना है प्रथम कवि। देवसेन का एक ग्रंथ है तो दव्य सहाब प्रयास, दव्य सहाब प्रयास ये देवसेन का एक अन्य ग्रंथ है, और श्रावकाचार्य भी का इन्हीं का ग्रंथ है, इसे हिंदी की प्रथम रचना माना जाता है। चर्यापद की रचयिता है, तो चर्यापद के जो रचयिता है सबरपा है। चर्यापद की रचयिता कौन है? सबरपा। अवधूत मत किसे कहते हैं? जी हाँ दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अवधूत मत किसे कहते हैं? तो नाथ संप्रदाय को कहते हैं अवधूत मत। कई बार एग्जाम में पूछा गया है, जोई जोई पिंडे सोई सोई ब्रह्मांडे, सिद्धांत किसका है? तो ये गोरखनाथ का है। गोरखनाथ नाथ संप्रदाय से संबंधित है। ठीक है, गोरखनाथ के गुरु थे मतेंद्र नाथ, है ना। वैसे तो नाथ पंथ की जो स्थापना की थी वो मतेंद्र नाथ की ने की थी, लेकिन वास्तविक जो थे वो गोरखनाथ थे। ठीक है, और जब एक एग्जाम में पूछा गया था, यूपी टेट में अभी पूछा गया कि नाथ संप्रदाय के प्रवर्तक कौन थे, उसमें दोनों ही दिए थे गोरखनाथ और मतेंद्रनाथ। तो मतेंद्रनाथ उन्होंने सही उत्तर दिया था आंसर शीट में, है ना। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। गोरखनाथ को पृथ्वीराज के समय का बताने वाले विद्वान है, तो पृथ्वीराज के समय का बताने वाले हैं रामचंद्र शुक्ल गोरखनाथ को। वारकरी संप्रदाय का संबंध किससे है? तो सिद्ध साहित्य से। वारकरी संप्रदाय का जो संबंध है वो सिद्ध साहित्य से है, है ना। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान किसका माना गया है? तो सरहपा का माना गया है दोस्तों। 84 सिद्धों में सर्वोच्च स्थान माना गया सरहपा का। सिद्ध कवियों की भाषा को संधा नाम किसने दिया? तो अद्वय वज्र तथा मुनि दत्त ने संधा नाम दिया सिद्ध कवियों की भाषा को। अभिमान मेरु किसे कहा गया? तो मेरु तुम को याद रख लेना, कई बार एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, अभिमान मेरु किसे कहा गया? तो मेरुतुंगों को कहा गया। ठीक है, प्रथम जैन कवि कौन है? तो देवसेन है। इनकी रचना है हिंदी की प्रथम रचना जो मानी जाती है श्रावकाचार। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता है, ये भी प्रबंध चिंतामणि की रचयिता मेरुतुंग है। प्रबंध चिंतामणि की रचयिता मेरुतुंग। नेक्स्ट, कुमारपाल प्रतिबोध की रचयिता कौन है? तो कुमारपाल प्रतिबोध की रचयिता स्वयं प्रभ सूरी है। कौन है?
संपर्क दूरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अपभ्रंश में दोहा का प्रारंभ माना जाता है, तो जो इंदु कृत परमात्म प्रकाश तथा योग सार से अपभ्रंश में दोहा काव्य का आरंभ माना जाता है। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, रेवंत गिरी रास के रचयिता कौन है, तो विजय सेन सूरी विकल्प नंबर 30 का सही होगा। रेवंत गिरी रास के रचयिता जो माने जाते हैं विजय सेन सूरी माने जाते हैं। अपभ्रंश के भाषक और व्याकरणिक रूप का स्पष्ट और सुव्यवस्थित विवेचन किसने किया, तो हेमचंद्र ने किया है अपभ्रंश के भाषक को व्याकरण रूप का, ठीक है। और सिद्ध हेमचंद्र शब्दानुशासन के रचनाकार हैं, तो हेमचंद्र हैं, ठीक है। अगला है आसकू कवि की रचना है, तो चंदन वाला रास, आसकू कवि की चंदन वाला रास है। नायिकाओं का नक्षिक वर्णन मिलता है, तो रोड़ाकृत रावल बेल में मिलता है, रोड़ाकृत रावल बेल में जो है नक्षिक वर्णन मिलता है। रावल बेल पूछा जाता है, रावल बेल किसकी रचना है, इस्लामकृत कृति मानी जाती है रावल बेल, और ये रोड़ा कृत रचना है रावल बेल। श्रांकृत कृति मालवा से संबंध है इसका, है ना, श्रांकृत कृति मानी जाती है। पूछा जाता है निम्न में से बताइए श्रांकृत कृति कौन सी है, तो रावल बेल है रोड़ा कृत। निंगल का सबसे पहले प्रयोग मिलता है तो राजा बांकी दास गत कवि 32 में मिलता है डिंगल का, ठीक है। और सिद्ध सैनकृत बिलास वही कहा किस कोटि का काव्य है, तो ये प्रेम कथा काव्य माना जाता है, सिद्ध सैनकृत बिलासवई कथा। अगला जो क्वेश्चन है दोस्तों वो हो जाएगा कि रोमांटिक महाकाव्य है, तो रोमांटिक महाकाव्य है धनपाल कृत भविष्यत कहा, याद रख लेना धनपाल कृत भविष्यत कहा है, रोमांटिक काव्य माना जाता है। ऐतिहासिक चरित काव्य है, ऐतिहासिक चरित काव्य है कीर्ति लता, ऐतिहासिक चरित काव्य है। आदिकाल की चंपू काव्य कृति है, तो रावल बेल है, रावल बेल है ना, रोड़ा कृत रावल बेल है। शिलाओं पर लिखा हुआ काव्य है, तो ये रावली बेल है। 63 शिला का पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है, तो ये महापुराण में हुआ है, याद रख लेना पुष्प दंत कृत महापुराण है, इसमें 63 शिला का पुरुषों के जीवन का वर्णन हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर लगभग हमने 104 प्रश्नों पर चर्चा की है, तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए, PGT एग्जाम, नेट, टेट, RPSC फर्स्ट ग्रेड आदि अन्य एग्जाम के लिए, UPSC साहित्य, हिंदी साहित्य वालों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। दोस्तों आपको क्या करना है कि सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, बेल आइकन को दबाना है, ताकि आने वाली जो भी वीडियो है उनकी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचे, और वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर करना है। पार्ट फर्स्ट था, अगले पार्ट में 100 फिर आदिकाल से संबंधित प्रश्न आएंगे। जय हिंद।